अब देखिए एक चीज कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे जो इंटरेक्शन दी है मुझे ये इंटरेक्शन कॉपी करनी है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, तो मैं आपको दूसरा जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो है पेस्ट इंटरेक्शन का। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, मुझे यहाँ पे कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैंने राइट क्लिक किया और मैंने कहा पेस्ट इंटरेक्शन। तो देखिए अब ये वाला पॉइंटर भी खैर मुझे यहीं लेके जा रहा है। अभी तो ये एक तरह से यूजलेस फंक्शनैलिटी हो गई, क्योंकि दो यूजर कार्ड एक ही यूजर कार्ड पे नहीं जा सकते, जाने भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों नाम अलग हैं। लेकिन क्योंकि ये मैंने अभी डमी बना रखा है तो आप देख रहे हैं चारों नाम एक जैसे हो रखे हैं, तो ये चारों भी यहाँ पे जा सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे तो जस्ट फंक्शनैलिटी बना के दिखाना है कि क्लिकेबल जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मैंने इंटरेक्शन करा तो तीन जा रहे हैं, और मेरे को ये सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कहा पेस्ट इंटरेक्शन, ये चार जा रहे हैं। और यहाँ से तो मैंने बैक की इंटरेक्शन बनाई हुई है, तो अगर मैं अब इसको देखो यहाँ पे करूँगा प्रीव्यू करूँगा, तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है कि अगर मैं, सॉरी ये मैंने गलत आर्टबोर्ड प्रीव्यू कर दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए इस पे क्लिक करूँगा यहाँ आ गए बैक गए, इस पे क्लिक करा तो यहाँ आ गए बैक गए, इस पे क्लिक करा यहाँ पे भी चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है। तो इस तरह से अगर मेरे को इंटरेक्शन कॉपी पेस्ट करनी हो तो मैं सिर्फ इंटरेक्शन भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ से करेंगे डिजाइन मोड से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेस्ट अपियरेंस का, और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेस्ट इंटरेक्शन का। ठीक है दोस्तों,